ठीक है, मोदी अब जी की इसका सरकार जवाब तो हो जनता ही चाहे देगी प्रदेश चारों की तरफ। योगी जी की। इसके अलावा सुरेंद्र नारायण जी, आप कितना सहमत हैं विकास की गंगा की बात होती है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, देश और यहां बैठे हुए सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। विकास की जो बात सौरभ जी ने कही है, मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूं। इन्होंने जैसा बताया कि ये शहर के रहने वाले हैं, इनका परिवार एक राजनीतिक परिवार है, मैं एक सामान्य परिवार से जुड़ के, मैं गांव देहात का रहने वाला हूं जी। निश्चित तौर पर इसमें कहने में कोई संकोच मुझे नहीं हो रहा है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, ये वाराणसी के दक्षिणी हिस्से का एक क्षेत्र है जी। और इसके पहले जितनी भी सरकारें थीं, उन सभी सरकारों को हमारी जनता ने देखा है किस तरह की सड़कें थीं, किस तरह की व्यवस्थाएं गांवों को दी जाती थीं। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मैं यहां से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है जनता के खाते में, प्रधानों के खाते में, या निचले स्तर पर जिन गरीब को दिया जाता है उनके खाते में। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था लागू की, उससे पूरा का पूरा पैसा सीधे लोगों के खाते में आता है। अब जब खाते में सीधे पैसा आएगा तो जिन योजनाओं का पैसा आता है उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट होता है और सीधे सीधे लोगों को लाभ मिलता है। अच्छा। विकास की जहां तक बात हुई है, आज पूरे दुनिया में लोग ये कह रहे हैं कि भारत का विकास जिस तेजी से पिछले 7 सालों में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये केवल हमारे कहने की बात नहीं, जनता कह रही है और आप देख रही हैं लगातार जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को जिस तरह से मिल रहा है वो सबके सामने है। कोई दो राय नहीं है कि हमारे क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, जल निकासी की जो व्यवस्था या अन्य जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, और कोई दो राय नहीं है कि आगे और जनता का इसी तरह प्यार हमको मिलेगा और हम पूरी तरह से विश्वास सरकार के माध्यम से करते रहेंगे। आप बताइए कितना सहमत हैं आप जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे